परिवार के लोगों का ये मानना रहता था कि अगर लड़की स्कूल जाएगी, लड़की घर से बाहर जाएगी तो वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी इज्जत आबरू के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज के वक्त में देश की राष्ट्रपति पहले भी रह चुकी है, आज भी एक नारी है, एक महिला है, देश के उच्च नारी शक्ति है, महिला बैठी है और ये सारा शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है। बेटियां शिक्षित है, चाहे वो परिवार ही अपना क्यों ना चलाएं। ना देख, ना ऊपर देखना, आज आरएसपुरा वार्ड नंबर 4 आंगनवाड़ी सेंटर में साक्षरता दिवस के रूप में ये कार्यक्रम रखा है मैम सीडीपीओ साहब ने, तो हमें भी यहाँ पर बुलाया। तो मैंने देखा है कि यहाँ की जो वर्कर है इस सेंटर की, बहुत मेहनत की है उसने, अपने इस एरिए से उन्होंने बेनिफिशियल लोगों को बुलाया है, बच्चों को बुलाया है, बाकी दूसरी वार्डों से भी यहाँ पर जो वर्कर्स आई हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान दिया। तो मैं समझता हूँ कि साक्षरता जो देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि कोई भी घर ऐसा ना रहे, कोई भी बेटी ऐसी ना रहे कि जो आज के दौर में अनपढ़ रहे, तो इसमें हमारे इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि ये छोटे बच्चे जो एक साल से ऊपर के बच्चे हैं वहाँ से लेकर ये साक्षरता जो शिक्षा है उन्हें देना शुरू करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं मैम सीडीपीओ साहब और इस आंगनवाड़ी सेंटर की जो सुपरवाइजर है रामप्यारी जी और खासकर वर्कर जो इन्होंने जहाँ पर यह कार्यक्रम रखा इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है उसे ये पूर्ण कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए जैसे कि आप लोगों को
आप जानते हैं कि पोषण माह के तहत हम जगह जगह पंचायतों में जाकर और अपनी वार्ड में जाकर हम प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है जिसके तहत हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि लोगों के मन में हम ये जागरूकता जगाएं कि पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। स्पेशली जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जैसे नशा मुक्त अभियान जो हम इस महीने जो है हमारा चल रहा है, इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करवाने आने वाले वक्त में भी, उसी के तहत कि एक जो एजुकेशन है, कैसे हम एक जो ड्रग एडिक्ट बच्चा है उसको या टीनेजर है उसको कैसे हम वहाँ से एक अच्छी मार्ग की तरफ ले जाएं, तो एजुकेशन जो है वो एक काइंड ऑफ एक मात्र बनता है जिससे बच्चा जो है एक सही अग्रसित और मोड की तरफ जाए। मोरओवर आज हमने यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट एजुकेशन टू देम। और हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी हमने एक एप्रिसिएशन यहाँ पे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं और यहाँ के लोगों को जागरूक कराएं। और मैं यहाँ के वार्ड के स्पेशली जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम यहाँ पे प्रोग्राम्स करवाएं तो वो अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दें, क्योंकि उनसे हमारे माध्यम से उन तक हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट की हम उनको प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद।